हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रेविटी के सिद्धांत का सबसे पहला प्रेडिक्शन किसने किया था, तो स्कूल कॉलेज के सिलेबस के बेसिस पर शायद आपका जवाब न्यूटन आएगा। पर अगर मैं कहूं कि न्यूटन के पहले ग्रेविटी का प्रेडिक्शन करने वाले शख्स इंडियन थे और उनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, तो क्या आप ये बिलीव करोगे? Well, yes, kind of, क्योंकि उस समय इंडिया नहीं था, बट वो हमारे ही बिरादरी वाले थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हमें स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि एटम को पहले इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने प्रेडिक्ट किया था। पर इस एटम को प्रेडिक्ट करने में भी एक इंडियन का ही हाथ था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारे एंशियंट इंडिया में लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि बिना सुपर कंप्यूटर और बिना किसी टेक्नोलॉजी के हमारे संस्कृत में एक साल के एग्जैक्ट प्रेसिशन वैल्यू को तक लिखा गया था। पर आज से हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले ये कैसे पॉसिबल हो पाया? Well, इन सारे क्यूरियस सवालों के आंसर्स के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये वंडरफुल माइंड ब्लोइंग वीडियो, जिसका टाइटल है लिस्ट ऑफ ऑल द स्पेस डिस्कवरीज मेड बाय इंडिया। एंशियंट मेडिवल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज इन इंडिया 700 BC टू 1080। हम और हमारे अर्थ से लेकर प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन जैसे चीजों के पीछे जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो है एटम्स। और एंशियंट टाइम से ही हम इंसानों को हर चीज की बनावट के पीछे का रहस्य जानने की जिज्ञासा रही। इस जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई करने के लिए हमने जो प्रेडिक्शन किए, उसमें हमने ये पाया कि किसी भी चीज को अगर आप छोटे से छोटा बनाते हो, तो वो चीज एक टाइम के बाद और ज्यादा छोटी नहीं हो सकेगी। ऐसे ही एनालॉजी से प्रभावित होकर सबसे पहले एटम कॉन्सेप्ट को समराइज किया गया था हमारे एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट कनाडा मुनि ने। और साइंस हिस्टोरियन के अनुसार कनाडा मुनि 600 BC में हुए सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन डाल्टन से तकरीबन 2300 साल पहले एटम के इस फंडामेंटल पार्टिकल का प्रेडिक्शन और उसके प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन यानी एंशियंट एटॉमिक थियरी को दुनिया के सामने रखा था, जिसका जिक्र आपको वैशेषिका सूत्रा इस संस्कृत बुक में मिलेगी, जिसमें कनाडा मुनि ने यह प्रेडिक्ट किया था कि हर भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। पर ऐसा करते करते एक बार ऐसा समय आएगा कि हमें ऐसा इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस इंडिविजिबल पार्टिकल को कनाडा ने नाम दिया परमाणु। वैशेषिका सूत्र में यह भी मेंशन किया हुआ है कि हमारे यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट परमाणु यानी एटम से बना हुआ है, जो एक दूसरे से मिलकर अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कनाडा मुनि के इसी एंशियंट एटॉमिक थियरी ने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऑब्जेक्ट को रैशनैलिटी के आधार पर देखना सिखाया था। इंटरेस्टिंग, राइट? इतने पुराने जमाने में ये किया। लेकिन ये तो हुई एटॉमिक थियरी और उससे बने हुए सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात। पर हमारे इस विशाल ब्रह्मांड के इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ग्रेविटी जरूरी होती है। और इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली ग्रेविटी को सबसे पहले प्रेडिक्ट करने का श्रेय 600 AD के इंडियन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्ता को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटी के लिए गुरुत्वाकर्षण इस वर्ड का प्रयोग किया था। वैसे अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एंशियंट टाइम से ही ह्यूमंस को ग्रेविटी इस अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में अंदाजा था, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने 500 AD में इस थियरी को प्रपोज किया था कि अर्थ सन के चक्कर लगाता है। और आगे चलकर आर्यभट्टा के इसी थियरी के आधार पर ब्रह्मगुप्ता ने यह कहा कि अर्थ के सन का चक्कर लगाने का कारण इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिस्टीरियस अट्रैक्टिव फोर्स है। और इस ग्रेविटी से ही हमें अर्थ पर एक साल के गुजरने का एक्सपीरियंस होता है। बट यहां पर सवाल आता है कि एक साल मतलब कितने दिन? फर्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अर्थ ऑर्बिटल पीरियड सूर्य सिद्धांता 600 AD। 600 AD के पहले भी ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशन को यह पता था कि हमारा एक साल यानी अर्थ का सन को ऑर्बिट करने वाला टाइम 365 डेज होता है। पर इसका टाइम पीरियड और कितना एग्जैक्टली प्रिसाइज है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां हर फिजिकल पैरामीटर्स को एग्जैक्ट प्रिसाइज तरीके से मेजर करना जरूरी होता है। तो अर्थ के इस ऑर्बिटल पीरियड के सबसे प्रिसाइज वैल्यू को 600 AD के दौरान इंडिया में कंपाइल्ड किए हुए सूर्य सिद्धांता बुक में किया गया था, जिसके अनुसार अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड एग्जैक्टली 365 डेज 6 आवर्स 12 मिनट्स और 36.56 सेकंड्स होता है। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एग्जैक्ट वैल्यू आज के मॉडर्न वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ 1.4 सेकंड ज्यादा है। Well, 1.4 सेकंड, इतना सा एरर, वो भी पुराने जमाने में।
जब ना ही उनके पास सुपर कंप्यूटर्स थे और ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेज थे। कमाल है राइट। पर सोचने वाली बात तो ये है कि सूर्य सिद्धांता बुक में ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आई। तो इसके पीछे वजह ये है ना कि सन जब अपने वर्मल इक्विनॉक्स पोजीशन में होता है तब उसके पोजीशन को एज अ रेफरेंस लेकर टाइम इंटरवल के बाद सन जब उसी वर्नल पोजीशन में आता है उस टाइम इंटरवल के दौरान अर्थ के स्काई पर ट्रेस होने वाले सन के पैथ को मेजर करके अगर उस पैथ को आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स के डिविजन में डिवाइड करें तो सन के एग्जैक्ट पोजिशनल टाइम पीरियड को फाइंड किया जा सकता है और इसी के जरिए एंशियंट समय में साल के एग्जैक्ट डेट का पता चल पाया। नाउ Let's move on to this another mind-blowing discovery. First record of an exact periodicity of comet by astronomer Bhadotpala in 10th century AD. हम में से कई इंडियंस को आसमान में टूटते हुए तारों को देखकर मन्नत मांगने की आदत होती है, पर ये टूटते हुए तारे कोई असली तारे नहीं होते बल्कि सोलर सिस्टम में रैंडमली मंडराते हुए कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स होते हैं। यही वजह है कि एंशियंट टाइम में हमें इन कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स के आने जाने का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाता था। अगर वो हमें पता होता तो शायद हम मन्नत कब मांगनी है ये एडवांस में सोच लेते है ना। पर फ्रेंड्स इन सो कॉल्ड टूटते तारों का एग्जैक्ट टाइम नोट करने का क्रेडिट भी हमारे इंडियन को ही जाता है। वेल वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। शायद इसी नेसेसिटी के कारण 10th सेंचुरी में हुए इंडियन एस्ट्रोनॉमर भट्टोत्पाला ने अपने बृहद संहिता बुक के कमेंट्री में सबसे पहले कॉमेट के टाइम पीरियड को नोट किया था। ये कमेंट्री दुनिया का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर किसी कॉमेट के पीरियोडिसिटी टाइम का पहला जिक्र किया गया है। पर अब तक हमने तो सिर्फ एंशियंट और मेडिवल इंडिया के स्पेस एस्ट्रोनॉमी डिस्कवरीज का जलवा देखा। चलो अब नजर डालते हैं मॉडर्न इंडियन स्पेस डिस्कवरीज पर। इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का चंद्रशेखर लिमिट हमें स्टार के इनिशियल मास लिमिट का रिलेशन स्टार के अंत से किस तरह होगा इस बारे में सिखाता है। ये लॉ एस्ट्रोफिजिस्ट एस चंद्रशेखर ने 1930s के दशक में दुनिया को दिया था जिसकी बदौलत ही हमें ये पता चल पाया कि स्टार्स के मौत के बाद उनका कन्वर्जन किस ऑब्जेक्ट में होगा। मींस आइदर वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेंगे या न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक स्टार का इनिशियल मास चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू से कम होगा तो स्टार के मरने के बाद वो एक हाईली डेंस व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और अगर स्टार का इनिशियल मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा होगा तो वो अपने अंतिम समय में न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। जब इस लॉ को साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तब इसी थियरी के लिए एस चंद्रशेखर को 1983 के नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और चंद्रशेखर के इस थियरी ने हमें स्टार के स्ट्रक्चर और उनके एवोल्यूशन के बारे में हमारे नॉलेज को बढ़ाने में भी मदद कर दी। डिस्कवरी ऑफ लूनर वाटर बाय इंडियन चंद्रयान 1 मिशन 2009। क्या हमारे अर्थ के अलावा बाकी किसी भी प्लैनेट पर पानी हो सकता है? इस सवाल ने 50s के दशक से स्पेस साइंटिस्ट को उलझन में डाल रखा था, और 60s के दशक में सोवियत एंड अमेरिकन मून मिशन से कई साइंटिस्टों ने ये क्लेम किया था कि मून पर वाटर आइस फॉर्म में होने के चांसेस हैं, पर कोई भी किसी भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा क्योंकि मून पर वाटर के एग्जिस्टेंस का कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला था। बट फाइनली इस प्रूफ को इंडिया ने 2009 चंद्रयान 1 ऑर्बिटर मिशन में ढूंढ लिया, क्योंकि चंद्रयान 1 के सब पार्ट इंपैक्ट सरफेस प्रोब ने मून के सरफेस पर कंफर्म्ड वाटर एग्जिस्टेंस के एविडेंस सर्च किए थे, और इस इंपैक्ट प्रोब के मून मिनरोलॉजी मैपर स्पेक्ट्रोमीटर ने मून सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट करके साबित कर दिया था कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस हैं। एंड दिस वॉज रियली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय इंडियन साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट लाइनअप पर है एक और एक तगड़ा डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सरस्वती सुपर क्लस्टर इन 2017। आज से 4 साल पहले 2017 में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में धूम ही मचा डाली, क्योंकि इंडिया ने किसी स्टार वगैरह को नहीं बल्कि एक सुपर क्लस्टर को ही ढूंढ निकाला। और ये जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्पेस यानी कि हमारे गैलेक्सीज के बियॉन्ड का सबसे वास्ट स्पेस होता है ना, वहां का एक जायंट सुपर क्लस्टर सरस्वती क्लस्टर है, जिसको डिस्कवर करने का क्रेडिट हमारे पुणे के एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट IUCAA के एस्ट्रोनॉमर टीम को जाता है, जिस गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर में टोटल 43 डिफरेंट गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये सुपर क्लस्टर हमसे 1.2 गीगा पारसेक यानी 4 बिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस की दूरी पर है।
और इस सुपर क्लस्टर की खोज हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने SDSS यानी स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के डेटा को कॉम्प्यूटेशनली एनालाइज करके किया था। अब अगर आपको नहीं पता कि ये SDSS क्या होता है, तो आपके जानकारी के लिए SDSS अर्थ पर स्थित ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज से किए जाने वाला पूरा आउटर स्पेस रीजन का फोटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे होता है। इस सर्वे में पेटाबाइट्स के मेमोरी साइज का डेटा बड़े कंप्यूटर स्टोरेज में सेव्ड होता है, जिसे फिर 3D एनालिसिस और सिमुलेशन के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स स्काई के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशन पर कौन सा सब्जेक्ट है उसकी मैपिंग करते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने सरस्वती की खोज के टाइम पर किया था। तो भाई लोग, ये थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट द्वारा किए गए इंडियन हिस्ट्री से अब तक के स्पेस डिस्कवरीज। अब डेफिनेटली इसमें मैंने सभी साइंटिस्टों को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनता, बट इसमें वो सारे नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिन्हें आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो को तुरंत अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को होना चाहिए कि हमारे इंडियंस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरीज में। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और ऐसे ही सदा ज्ञान अपना बढ़ाते रह सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।